लास्ट इंडियन फिल्म है भगवान की और डिफरेंट नेचर की पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। यहाँ की लोकल ड्रेस होती है, अंदर उनकी मूर्ति रखी हुई है, ये पेंटिंग्स गांव को और सुंदर बना रही है। तो दोस्तों आपको ये सामने दिख रहा होगा, तो ये जो सामने है यहाँ पे ये है माड़ा चौक और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये है माड़ा के लिए जा रहा है, तो अभी हम जाएंगे उधर को। तो चौक से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई, अब माड़ा बचा है यहाँ से 3 किलोमीटर, चौक से लगभग वैसे भी माड़ा 3 ही किलोमीटर है। तो आप सामने का नज़ारा देखिए दोस्तों, बादलों के बीच में पहाड़, तो मस्त लग रहा है, मस्त। हमने अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, देखिए लिखा हुआ है द लास्ट इंडियन विलेज। तो यहाँ से सीमा प्रारंभ हो रही है माड़ा विलेज की, बोर्ड बना हुआ है लास्ट इंडियन विलेज का जो कि है माड़ा, तो वो है माड़ा गांव इधर। तो मैं अभी इधर जाऊँगी और मैं मिलती हूँ आपको आगे। ये भारत के अंतिम गांव माड़ा में आपका स्वागत है। यहाँ बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ की, देखिए डिज़ाइनर बहुत सारे वुलन्स कैप हैं और सारी दुकानें ऐसी चीज़ों की। भेड़ों की जो छाल है वो निकाल के रखी है, ऊन एज अ ऊन ये यूज़ की जाएगी, तो ये सुखा रखे हैं धूप में। आंटी ने ये ड्रेस पहनी है, ये यहाँ की लोकल ड्रेस होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माड़ा गांव और यहाँ पे घरों में भगवान की और डिफरेंट नेचर की पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो आप देखना उसे। ये देखिए यहाँ पे सरस्वती माता की पेंटिंग बनी है, यहाँ पे हमारे शिवजी भगवान हैं आदियोगी, और यहाँ पे देखिए एक पेंटिंग लगाई है भेड़ों की, वहाँ दूसरी नेचर पेंटिंग बनाई है, वहाँ बाघ की पेंटिंग है, मतलब हर घर में पेंटिंग है। मैं अभी आपको आगे और दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान की पेंटिंग बनाई है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चरखी की पेंटिंग बनाई है, काफी सुंदर है। अभी मैं गांव में जा रही हूँ नीचे को। कितना सुंदर व्यू आ रहा है, जरा आप देख सकते हैं वहाँ पे, देखिए वहाँ पे एक पेंटिंग और है। मीन्स मैक्सिमम हर घर में एक पेंटिंग बनाई है। तो ये माड़ा गांव के लोगों का मंदिर है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये घंटाकर्ण महावीर जी का मंदिर है, अंदर उनकी मूर्ति रखी हुई है, तो देख सकते हैं आप। और सामने का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ देखा माड़ा गांव जो हमारा आखिरी विलेज है, और काफ़ी सुंदर सजाया गांव, इसमें जो पेंटिंग्स की गई हैं
पेंटिंग्स गाँव को और सुंदर बना रही हैं, क्योंकि जो ये पेंटिंग्स हैं कलरफुल्स और ब्राइट कलर से की गई है, तो देख सकते हैं आप, वो देखने में इतनी सुंदर लग रही है। मैंने आपको बीच में दिखाई हुई थी पेंटिंग। तो आप दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर है तो माड़ा गाँव ज़रूर आइए और विज़िट करिए इंडियन लास्ट विलेज को। और फिर मैं मिलती हूँ दोस्तों अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हंसते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। बाय बाय।